वेलकम टू पापा'स यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग्स। और अभी पापा मम्मी का चैलेंज चल रहा है, उसका नाम है हस्बैंड वर्सेस वाइफ। और वो चैलेंज कौन खिलाएगा मैं बताता हूँ, वो मैं खिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा बच्चों वाला, जैसे कि उसमें अभी छोड़ो मैं नहीं बता रहा अभी। चलो अब चलते हैं वो लोकेशन पे, लेट्स गो। अरे वो तो हो ही नहीं, पापा हो क्यों नहीं रही है? बेटा वो एडिटिंग से होता है। अरे यार भूल ही गया, अब तो हो जाएगा ना, एडिटिंग कर देना, लेट्स गो। आ चुका हूँ मैं अपनी लोकेशन पे और मेरे साथ कौन है? पापा अबे जेंडर चेंज कर रहा है, क्या करवाने वाले हो आज चेरिश? यहाँ बुला के मैं चैलेंज करवाने वाला। कौन सा चैलेंज? वो कुछ बच्चों टाइप चैलेंज है। बच्चों टाइप मतलब टफ तो नहीं है ना? कुछ बहुत आसान है। देखते हैं चेरिश ने आज क्या चैलेंज हमारे लिए डिसाइड किया है। आपको ही बताना है ना चैलेंज क्या है, फिर चैलेंज में करना क्या है हमको भाई? ठीक है ये खोलता हूँ फिर आपको दिखेगा। इधर क्या है? जेम्स है कुछ। अब क्या करना है इसको? मैं इधर थोड़े डिस्पोजल रखूंगा और इसमें 7 कलर्स है टोटल, और 7 कलर्स को आपको एक एक सिंगल करके मतलब एक ही हाथ यूज करना है और एक ही उठाना है, और एक एक डिस्पोजल में एक एक रखना है, वो भी अलग अलग रंग के। जैसे कि इसमें ब्लू रखा है, इसमें पर्पल रखा है, इसमें ऑरेंज रखा, और ये करना है आपको, और 1 मिनट का टाइम है बस। ओके यार वीडियो तो आप भी कर चुके थे यार आपके बर्थडे के टाइम पे, तो मतलब उसमें आप हार गए थे, तो आज बदला ले रहे हो हमसे। इधर टॉस भी होने वाला है कुछ, दोनों में से कौन जाएगा मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करूंगा। अच्छा मतलब कौन पहले जाएगा मतलब ये भी डिसाइड कर रखा है इसने। पूरा बच्चों वाला चैलेंज इसने बना दिया है पापा मम्मी का। कई बार ऐसा होता है ना आप 5वीं पास से तेज है जैसे पहला आता था, सो अब हम देखते हैं कि क्या हम बच्चों के चैलेंज को हम अच्छे से कर पाएंगे। 5th चैलेंज में आप नहीं चला लेना, बस ये वाला चैलेंज में मुझे चलाने दो। चलिए देखते हैं तो फिर आज का जो चैलेंज है वो पहले कौन जाएगा ये डिसाइड होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। चलो चेरिश करो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ निकला धागा चौन निकल के भागा। मतलब मुझे डिसाइड करना है कि पहले कौन जाएगा। अच्छा। तो डिसाइड तो हो चुका है कि कौन जाने वाला है फर्स्ट, तो फर्स्ट जाएंगे पापा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम फंस चुके हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज को विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं 1 मिनट में हम कितने कर पाते हैं। चलिए लेट्स गो। सो गाइस चलिए हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और अब टाइमर स्टार्ट होगा। एक ही हाथ यूज करना है। 3 2 1 गो। तो चलिए गाइस देखते हैं, काफी सारे कर लिए हैं वैसे तो, सो लेट्स सी अब मधु मैम कितने कर पाती है। सो फिलहाल हम इसको काउंट करके और रख लेते हैं और आपको बताएंगे इस पूरे चैलेंज होने के बाद में। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। यहाँ पे हमारे इसी टेक्निक देखा काफी क्या है, सिंगल चलना चाहिए, टेंटिंग एक ही होना चाहिए, कहीं दो ढाली ऐसा चीजें अलाउड नहीं है। यहाँ पे छोटी सी मैंने जितनी मैंने कोशिश तो की है सुधर हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ चलते हो गए। सो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंबल, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे इन दोनों में इन्होंने सेम डाल दिया है। सो एज पर चैलेंज रूल ये जो उन्होंने पहले डाले थे यही काउंट होंगे, ये वाले काउंट नहीं होंगे। सो यहाँ पे इनको काफी जेम्स का लॉस हो चुका है। तो चलिए अब चेक करते हैं, जेम्स को भी काउंट करते हैं और देखते हैं कि कितने हो पाए हैं, क्योंकि इन्होंने स्पीड से तो बहुत किया है, हालांकि अभी टक्कर का मैच है, तो लेट्स सी कितने होते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस हमने काउंट कर ली है दोनों की जेम्स और काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर रही है। चेरिश आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? मैंने तो गिने ही नहीं थे, आप दोनों ने ही गिने थे। अच्छा। तो मुझे कैसे पता होगा मेरे हिसाब से? चलो आप हम दोनों में से किसकी साइड पे? दोनों की साइड। बोल नहीं सकते कुछ यार, कॉम्प्लिकेटेड टक्कर का हुआ ये गेम। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे चेरिश को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन एंड होपफुली आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो चलिए गाइस इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन जीता है आज के इस मैच में जो कि चेरिश की तरफ से था, और फिलहाल जो स्कोर है वो है 1-1 पॉइंट ईच। सो आप देखते हैं कौन इसको
लीड करने वाला है। चलिए गाइस, हमने जब काउंट किया है तो काउंटिंग में मेरे निकले हैं 50, एग्जैक्ट 50। बुरे नहीं है यार, 60 सेकंड में 50। और यहाँ पे मैम ने कितने किए हैं? 48। यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं। मुझे आपसे नहीं उम्मीद थी क्योंकि गाइस वैसे देखा जाए तो ये जीत जाते, लेकिन वो गड़बड़ क्योंकि जो गड़बड़ उन्होंने की, जो ऑरेंज वाले इन्होंने दोनों जगह पे सेम सेम डाल दिए, उस वजह से ये थोड़ा सा डील हो गया। उसमें लगभग 4-5 अगर ये लीड करते तो शायद ये मैच को इजीली जीत जाते। सो काफी स्पीड तो अच्छी थी, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत फंबल और लास्ट में कुछ गलत, उस वजह से ये कम्प्लीट नहीं कर पाए। हाँ, सो आज क्या है, देखिए गणेश चतुर्थी भी है, सो हम लोग गणेश जी की ड्रेस पहन के बैठे हैं। आपने पूरे वीडियो में देखा ही होगा, गणेश जी की ड्रेस हम लोग पहन के बैठे हैं और मैं अकेला ऐसी वाइट पूरी ये मोदक बना सफेद सफेद मोदक। सो गाइस, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली गणेश आप सब अपने घर में बनाएं। 2 मिनट, गणेश चतुर्थी पे सबको मुंह भी मीठा करवाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो इधर सामने कुछ मुंह मीठा करवाने का लगा है ना? हाँ हाँ, करा दो मुंह मीठा। चलो जो जीता है उसको करा दो यार। नहीं नहीं, तो क्या हारने वाले को नहीं मिलेगा इसका मतलब? अच्छा ये लो एक। और मेरा फेवरेट, आपको फेवरेट लू। तो चलिए गाइस, इसी उम्मीद के साथ में कि आपको इस बार का वीडियो कब पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे कल्टा यार अपने ऑडियंस है। लास्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारा आउटडोर शूट, तो देखते हैं आउटडोर हम लोग क्या धमाल करने वाले हैं, क्या होने वाला है उस शूट के अंदर। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल के साथ में। तब तक के लिए दिस इज तरुण पोहित अलॉन्ग विद चेरिश पोहित एंड मधु पोहित साइनिंग ऑफ। बाय बाय। जीत गया? हाँ जीत गए। और क्या, कोई बात नहीं, मैं भी जीत गई।